राधे। प्यारे विद्यार्थियों, हेलोजन सपन पढ़ रहे थे ग्रुप 17 के एलिमेंट अपन पढ़ रहे थे, वर्ग 17 के अपन तत्व पढ़ रहे थे, हेलोजन्स पढ़ रहे थे एफ सी एल बी आर आई एस्टेटाइन और टेनेसाइन। आपने लर्न भी कर रखा है फिर कल भार आई अंटी टसन से, ठीक है भाई। तो ये आपके पास हेलोजन्स हैं, ये हेलोजन पढ़ रहे थे। आज अपन इन हेलोजनों की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, हालांकि प्रॉपर्टीज पहले से भी चलती आ रही हैं। आज अपन कौन सी प्रॉपर्टीज इनकी पढ़ रहे हैं, तो मैं आज इनकी प्रॉपर्टीज लेता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं बताओ? ऑक्सीडेशन स्टेट अपन इनकी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, ठीक है भाई। अब इस ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं समझाता हूं कि हेलोजन फैमिली के एलिमेंट कौन सी ओएस शो करते हैं, ठीक है भाई। हेलोजन फैमिली के जो एलिमेंट हैं कौन सी ओएस शो करते हैं, उनकी बात अपन यहां करते हैं। ध्यान दें, ओएस चल रही है। इनका जो कॉन्फिग्रेशन है वो कॉन्फिग्रेशन होता है NS2NP5। हेलोजनों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन है वो होता है NS2NP5। अगर सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, ले लेते हैं तो इनका कॉन्फिग्रेशन हो जाएगा भाई NS2NP6। और ये जो NS2NP6 कॉन्फ़िगरेशन है इसको आप बोलते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन भाई, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उत्कृष्ट गैस विन्यास, ठीक है भाई। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना सभी हेलोजन -1 ओएस शो करते हैं। सबसे पहली बात कि सभी हेलोजन कौन सी ओएस शो करते हैं बताएं, -1 ओएस शो करते हैं। और -1 ओएस शो करने का रीजन है कि हेलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेते हैं। लुईस कोसेल ने ये कहा था 11th क्लास में, आप लोगों ने पढ़ा था। लुईस कोसेल ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन लेकर देकर या शेयरिंग करके बाह्यतम जो कोष है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 करना चाहते हैं। जो वैलेंस सेल है, संयोजी कोष है, संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी करना चाहते हैं भाई? 8 करना चाहते हैं। इसके लिए वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं, ले भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग भी कर सकते हैं, ताकि वो क्या प्राप्त कर सकें, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर सके। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, दे सकते हैं, तो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। ध्यान रखना, बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। इसलिए ध्यान रखना इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन गैर एंथैल्पी का मान उच्च होता है। इलेक्ट्रॉन लेने पर बाहर निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसको आप ईए बोलते हैं, ध्यान रखना, या इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो इनकी जो ईए होती है, ईए का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रहे, या इजी होती है, ये भी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, या फिर अपन शॉर्ट में ये कहें कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ोगे, आईपी क्या होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी होती है इलेक्ट्रॉन निकालोगे दी गई ऊर्जा, ये होती है इलेक्ट्रॉन जोड़ोगे बाहर निकलने वाली ऊर्जा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं आप, ऊर्जा बाहर निकलेगी, उस बाहर निकलने वाली ऊर्जा क्या कहूंगा मैं, ईए। और यहां पर इस ईए की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, रीजन एक इलेक्ट्रॉन लेने की इनकी टेंडेंसी बहुत ज्यादा है भाई, इसलिए बाहर निकलने वाली ऊर्जा बहुत होगी, बहुत ज्यादा होगी। आई बात समझ में? तो पहली बात मैं ये बताना चाह रहा हूं, दो बात बता दी यहां, पहली नहीं दो बात बता दी। नंबर एक,
माइनस एक वे शो करते हैं, क्यों? एक इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे। दूसरी बात क्या बता दी भाई मैंने, दूसरी बात ये बता दी कि इनकी जो ईए है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ईए क्या होती है भाई? इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर बाहर निकलने वाली ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो बाहर निकलने वाली ऊर्जा भी ज़्यादा होगी। तो सभी हेलोजन माइनस वन ओएस शो करते हैं। आगे चलेंगे साहब, और कौन कौन सी ओएस शो करते हैं माइनस वन के अलावा? तो मैं सिर्फ फ्लोरीन की बात करता हूं। फ्लोरीन ओनली माइनस वन ओएस शो करता है। रीजन है कि इस फ्लोरीन की ईएन सबसे ज्यादा होती है 4.0। इसकी जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो सबसे ज्यादा होती है 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणता। ऑर्डर कैसे पता लगाएं अपन? अगर मान लो आपको इस ईएन का ऑर्डर पूछे, विद्युत ऋणता का ऑर्डर पूछे, तो आप विद्युत ऋणता का ऑर्डर पूछे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर पूछे कोई आपसे, तो आप फोन कर लेना ब्रिज के पास, ये लो। किसके पास फोन कर लेना? ब्रिज के पास। सबसे ज्यादा ईएन होती है फ्लोरीन की। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कार्बन और हाइड्रोजन, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है भाई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है 4.0। फिर ऑक्सीजन का नंबर आता है 3.5। फिर नाइट्रोजन का नंबर आता है 3.04। फिर क्लोरीन का नंबर आता है 3.0। फिर ब्रोमीन का नंबर आता है 2.8। फिर आयोडीन का नंबर आता है 2.7। फिर कार्बन आता है 2.6 और उसके बाद हाइड्रोजन आता है 2.2। ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणता है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है, इसलिए माइनस वन ओएस शो करता है। कोई इसके इलेक्ट्रॉन खींच ही नहीं सकता भाई। सपोज मैं एच और एफ की बात करूं तो बताएं किसकी विद्युत ऋणता ज्यादा है? F की ज्यादा है, तो F बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, इसलिए F पर पार्शियल नेगेटिव, H पर पार्शियल पॉजिटिव। तो इस F पे नेगेटिव आ गया ना, पॉजिटिव कैसे आ सकता है बताएं? इससे कोई इलेक्ट्रॉन खींच सकता है क्या? नहीं खींच सकता। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ही फ्लोरीन की है, तो फ्लोरीन पर माइनस आएगा ही आएगा, तो फ्लोरीन माइनस वन ओएस शो करता है भाई। क्लियर बात कि फ्लोरीन माइनस वन ओएस शो करता है। रीजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। क्लियर सी बात होगी, तो आगे चल दें। माइनस वन के अलावा प्लस एक, प्लस तीन, प्लस पांच, प्लस सात ओएस भी ये शो करते हैं भाई। कहां शो करते हैं? मैं कुछ एग्जांपल लिख दूं। सपोज HClO, HClO2, HClO3, HClO4। यहां पर अगर आप Cl की OS निकालेंगे तो यहां आ जाएगी प्लस एक, प्लस तीन, प्लस पांच, प्लस सात। आप कहें OS निकालना था, मैं भूल गया, मेरे को नहीं आती, कोई बात नहीं, एक एग्जांपल ले लूं मैं, HClO3 ले लूं। Cl की OS सपोज आप निकालना चाह रहे हैं, जिसकी OS निकालते हैं उसे X मानते हैं भाई, जिसकी OS निकालते हैं उसे X मानते हैं अपन। हाइड्रोजन पे चार्ज आपको पता है प्लस एक होता है, एक ऑक्सीजन पर माइनस दो होता है, ऑक्साइड होता है ना O-2, तो एक ऊपर माइनस दो होता है, तीन ऊपर हो जाएगा माइनस का 6, इक्वल कर दो 0 के। तो प्लस का 1 माइनस का 6 माइनस का 5 बराबर 0। माइनस के 5 को परली तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 5 आ जाएगा भाई। तो HClO4 में ClQS प्लस 5 है। तो कुल मिला के बात यह है कि माइनस वन ओएस तो सभी हेलोजन शो करते हैं, ठीक है,
और 1, 3, 5, 7 फ्लोरीन भी, फ्लोरीन ओनली माइनस वन, ठीक है, और माइनस वन सभी भी शो करते हैं, 1, 3, 5, 7 फ्लोरीन के अलावा शो करते हैं, ये रहे। तो फ्लोरीन केवल माइनस वन करता है और फ्लोरीन के अलावा बाकी सब, चलो मैं ऐसा करता हूं, ऐसे लिख दूं कि ये जो, चलो दोबारा से लिख दूं भाई, माइनस वन है वो ओनली फ्लोरीन, माइनस वन प्लस एक प्लस तीन प्लस पांच और प्लस सात, ये सभी रिप्रेजेंट करेंगे भाई। तो 1, 3, 5, 7 और माइनस एक सभी रिप्रेजेंट करेंगे, ये ओएस चल रही हैं। अगर मैं मान लो इनका ब्लॉक डायग्राम निकाल करके फिर बताऊं, तो इनका ब्लॉक डायग्राम ये होगा, देखो ध्यान दे भाई, ये NS है, ये NP है, ये ND है, P में तीन होते हैं, D में पांच होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ये अपने पास, ये NS NP ND, NS NP ND, NS NP और ND, NS NP और ये ND, मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया भाई, ये लो। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन था, S टू P फाइव ना, तो S में दो P में पांच, 1, 2, 3, 4, 5, ये इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया भाई, क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। और इस ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में देखें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक है, इसलिए ये माइनस वन और प्लस वन ओएस शो करते हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के कारण। अब मैं क्या करता हूं, इसकी एक्साइटेड स्टेट ले आता हूं, इस एक इलेक्ट्रॉन को, एनपी के एक इलेक्ट्रॉन को एनडी में ले जाऊं, ये इसकी बन जाएगी भाई क्या, फर्स्ट ईएस। एक इलेक्ट्रॉन को आप किस में ले जाएं, एनडी में ले जाएं, एक इलेक्ट्रॉन ओनली, एस में तो ऐसे कैसे रहेंगे, इस पी में भी ऐसे कैसे रहेंगे, इस पी का गया ये लो। और एक बार बात करते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, और ये मैं बढ़ाऊंगा इसकी क्या, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है भाई। अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बताएं, 1, 2, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर प्लस तीन ओएस शो कर देगा। सेकंड जो ईएस है उसमें इस इलेक्ट्रॉन को भी मैं आगे ले जाऊं, 1, 2, 3, 4, 5, बोलो सिग्नि, पहले मैं एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं ले गया था ग्राउंड स्टेट, अब मैं एक इलेक्ट्रॉन ले गया फर्स्ट ईएस, अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ले गया सेकंड ईएस, और इसको भी ले जाओ वो थर्ड ईएस आ जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सारे अनपेड हो गए। तो ध्यान दे, ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, ये इसका फर्स्ट ईएस है, ये इसकी सेकंड ईएस है और ये इसकी थर्ड ईएस है।
अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, एक दो तीन चार पांच, तो यहां प्लस पांच वे शो कर देगा ये। थर्ड ईएस की बात करें, एक दो तीन चार पांच छह सात, प्लस सात वे शो करेगा। तो आप इन हेलोजनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आपको ये मिल जाएगा कि ग्राउंड स्टेट में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, माइनस एक प्लस एक शो कर सकते हैं। अगर इसकी फर्स्ट ईएस लेके आए तो फर्स्ट ईएस में ये इलेक्ट्रॉन यहां चल जाएगा, एक दो तीन वे शो करेगा। सेकेंड ईएस में इसको भी आगे ले जाओ, ठीक है, इसको भी आगे ले जाओ, एक दो तीन चार पांच, प्लस पांच शो करेगा। थर्ड ईएस में ये जो बच गया इसको भी आगे ले जाओ, एक दो तीन चार पांच छह सात अनपेड इलेक्ट्रॉन, प्लस सेवन शो करेगा। तो ये आपके पास हो गई कि ग्राउंड स्टेट में माइनस वन प्लस वन, और एक्साइटेड स्टेट में वो क्रम से प्लस तीन प्लस पांच और प्लस सात वे शो करेगा। क्लियर सी बात होगी भाई। तो ये आप पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन स्टेट किनकी, हैलोजनों की, ठीक है भाई। हैलोजनों की ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद अपन इनकी अगली प्रॉपर्टीज लेते हैं भाई, और वो अगली प्रॉपर्टीज है इनकी ये लो भाई, कौन सी प्रॉपर्टीज बताएं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंद वियोजन ऊर्जा, बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा भाई, बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी, आज की सेकंड प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टीज आपने ऑक्सीडेशन स्टेट ओएस पढ़ ली, सेकंड प्रॉपर्टीज पढ़ रहे अपन बंद वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बंद ऊर्जा भी बोल देते सिंपल, बॉन्ड एनर्जी, तो बॉन्ड एनर्जी बोल दो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझाएं। देखो भाई, एक सपोज ये बॉन्ड है ए बी, एक पी क्यू बॉन्ड है, तो ये छोटा बंद है, ये बड़ा बंद है, शॉर्ट छोटा है, लॉन्ग बड़ा है। तो बंद दो प्रकार के बता दिए मैंने, एक तो छोटा बंद, एक बड़ा बंद। भाई किसी में छोटा बंद हो सकता है, किसी में बड़ा बंद हो सकता है, अब आप उसको तोड़ रहे हैं। दो चीज आपको मैं, एक तो इतना सा धागा दूं, एक इतना बड़ा धागा दूं, और आपसे कहूं कि भाई इसको तोड़ो। तोड़ने की बात करें तो बड़ा धागा तो आप आराम से तोड़ सकते हैं, और छोटा धागा जो मैंने आपको इतना सा दिया है उसको तोड़ने में आपको बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर छोटा बंद है तो उसको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्यादा होगी, तो इस बंद को तोड़ने के लिए जो आवश्यक एनर्जी है वो ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां लिख दूं मैं क्या, कि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो ज्यादा होगी, और इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी। बोलो बात समझ माइक में, छोटा बंद है तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्यादा, बड़ा बंद है आवश्यक ऊर्जा कम, आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ध्यान रखना ये आसानी से ब्रेक नहीं होगा। छोटा बंद है तो छोटे बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा ज्यादा, बड़े बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर आपको देखनी है तो वो डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पर। यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है। यानी अगर मान लीजिए मैं एक रिलेशन लिखूं, बंद लंबाई ज्यादा होगी तो बोलो बंद वियोजन ऊर्जा कम हो जाएगी। भाई कौन सा संबंध हुआ,
उल्टा संबंध हो गया। यानी इस संबंध को आप ऐसे लिखेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, शॉर्ट में लिखूंगा भाई बंध विभेदन ऊर्जा को, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी BDE इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड लेंथ के। ये लो रिलेशन बन गया, शॉर्ट में लिखा बंद वियोजन ऊर्जा और बंद लंबाई के बीच उल्टा संबंध है। बंद लंबाई एक ज्यादा होगी तोड़ने के लिए ऊर्जा कम होगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बीच और बॉन्ड लेंथ के बीच उल्टा संबंध हो गया भाई। तो आगे जब आप इन हेलोजनों की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखेंगे तो आप ये देखना कि जो बॉन्ड है वो बड़ा बॉन्ड है या छोटा बॉन्ड है। बॉन्ड देखें कि बॉन्ड बड़ा है या छोटा, ठीक है। तो देखते अपन कि जो बॉन्ड आप तोड़ेंगे वो छोटा है या बड़ा है। एफ सी एल बी आर आई, बताओ भाई ऊपर से नीचे जा रहे हैं आप, क्या हो रही है? बॉन्ड लेंथ क्या होती जा रही है बताएं, इंक्रीज होती जा रही है। बंद लंबाई बढ़ती जा रही है भाई, आयोडीन का सबसे बड़ा बंद है तो आयोडीन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा सबसे कम होगी, सही है। तो ऑर्डर क्या होगा बताएं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बंद वियोजन ऊर्जा का क्रम क्या होगा? I2 को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा सबसे कम, कारण बड़ा बंद है। फिर दोबारा सुन लें, बंद वियोजन ऊर्जा का क्रम लिख रहा हूं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्रम लिख रहा हूं, तो ये आयोडीन में लंबा बंद है, इस लंबे बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा कम होगी, तो I2 की सबसे कम होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। F2 में सबसे छोटा बंद है, इसको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद किसकी होगी, Cl2 की होगी, Cl2 के बाद किसकी होगी, Br2 की होगी, उसके बाद F2 की होगी। ये यहां पर एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन है, होना चाहिए था F2 की सबसे ज्यादा, क्योंकि सबसे छोटा बंद है, सबसे छोटा बंद है तो बंद वियोजन ऊर्जा सबसे ज्यादा होनी चाहिए F2 की, लेकिन Cl2 और Br2 से भी कम हो गई। इंटरेस्टेड मामला है, F2 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए कि छोटा बंद है, बंद लेंथ कम, BD ज्यादा, बंद लंबाई कम, बंद ऊर्जा ज्यादा, तो इसकी बंद ऊर्जा सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन Cl2 Br2 से भी कम हो गई। रीजन क्या है, उस रीजन को समझने के लिए अपन थोड़ा सा अलग चलते हैं। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आप देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP5, पांच इलेक्ट्रॉन है, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन। यहाँ कंपेरिजन करूँगा मैं आयोडीन और आयोडीन से, इस F2 की कंपेरिजन करूँगा। सात इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन का इसने शेयरिंग कर ली, छह बच गए, वो छह ये रहे, दो चार छः, इस फ्लोरीन के पास भी छः ये रहे, दो चार छः, ऐसे आयोडीन के पास भी रहेंगे भाई, क्योंकि आई का कॉन्फ़िगरेशन भी यही होता है NS2NP5, एक इलेक्ट्रॉन काम कर लिया, छः बच गए, छः कहाँ हैं, दो चार छः, दो चार छः, सही है। बॉन्डिंग के बाद इसके ऊपर भी छह इलेक्ट्रॉन बच गए, इसके ऊपर भी छह इलेक्ट्रॉन बच गए, यहां भी छह बच गए, यहां भी छह बच गए। अब हुआ क्या भाई कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देते हैं,
ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धक्का देते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन, यहां भी है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन तो, लेकिन यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन कम है भाई, और यहां इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि F2 जल्दी टूट जाता है। आप सोच रहे थे कि F2 को तोड़ने के लिए तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए थी, लेकिन आप देखेंगे जब इसको तोड़ेंगे तो F2 जल्दी टूट जाएगा। उसका रीजन क्या था कि इन इलेक्ट्रॉनों के बीच और इन इलेक्ट्रॉनों के बीच दूरी कम है, इलेक्ट्रॉन पास पास है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, F2 जल्दी टूट जाएगा। यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन जिनके रिपल्सन की बात की जा रही है वो दूर हो गए, रिपल्सन कम हो गया, बॉन्ड आसानी से नहीं टूट रहा, ठीक है ना भाई। तो यहां पर मान लो सपोज मैं आई ने लेकर के यहां सी एल ले लेता, बी आर ले लेता, बी आर ले लो सपोज, ये लो बी आर ले लेता, तो बी आर में बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, इलेक्ट्रॉनों के बीच दूरी बढ़ गई, प्रतिकर्षण घट गया, आसानी से नहीं टूटेगा, जबकि इसमें आसानी से टूट जाएगा, तो बी आर टू की ज्यादा हो गई। क्यों बंदा आसानी से नहीं टूट रहा भाई, आसानी से पता है क्यों टूट रहा, रिपल्सन कम है, क्या रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा है, इतना ज्यादा रिपल्सन है कि बहुत जल्दी टूट जाएगा, और F2 की बंद वियोजन ऊर्जा Cl2 और Br2 से भी घट जाएगी। आशा की जा रही थी, सोच रहे थे F2 की सबसे ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन F2 की तो Cl2 और Br2 से भी घट गई, बहुत ज्यादा गिर गई, हालांकि फिर भी I2 से ज्यादा नहीं गिरी, ठीक है भाई। तो ये हो गया इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्रम, बंद वियोजन ऊर्जा का क्रम, ठीक है। कल अपन और प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे, आज दो प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाई है, कल और प्रॉपर्टीज लेकर आऊंगा मैं, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।